इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है झाझा से। झाझा के चितोचक गांव में आज कोरोना से लड़ाई लड़ते लड़ते ठीक होकर वापस अपने घर लौट कोरोना योद्धा अरविंद राम। आइए जानते हैं कि अरविंद राम लौटे कोरोना से युद्ध लड़कर और कोरोना योद्धा और उसकी मां ने क्या कुछ कहा। जिंदगी की जंग जीत कर आया है, कैसा लग रहा है? अभी तो अच्छा लग रहा है। पहले तो हमको तो मान लिया जिस दिन से गया हम, दिन से हमको मतलब कैसा लगता था तो हम जानते हैं, लेकिन इसमें मजा बहुत लोग लिया। मेरा बेटा जाने के बाद बहुत लोग बहुत सा मजा लिया है। मेरा ऐसा भी किया, ये बड़ा लड़का ये मेरा है सबसे मतलब, ये घर का जितना भी परिवार है सबसे ही मतलब विद्यमान मने सबसे मने है। इसके जाने के बाद जो है सो आदमी लोग सोचता है, दुश्मन भी सोचता है कि मतलब वो तो अब गया है, वो तो अब गया, वो तो लौट के नहीं आएगा है। मेरा ऐसा किया कि मतलब यहाँ पर झगड़ा हो रहा था, मेरा गाड़ी भी अंदर करवा दिया है। अब बेटा आज आया, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? करना चाहूँगा गिधौर हॉस्पिटल की टीम को, जो हम लोग को बहुत अच्छा मोटिवेशन किया, बहुत अच्छा उनका सुविधा था, जिससे हम लोग जितना जल्दी हो सका रिकवर हुए। खाने का जो भी था, एवरी पीपल मतलब रिसेंट था वहाँ के, जो भी गिधौर हॉस्पिटल के थे सारे लोग, हमारे डीएम साहब या फिर झाझा के वीडियो जो भी कॉन्टैक्ट करते थे लोग, कभी क्या है नहीं है, बट अच्छा था जो भी रहा। क्या प्रेरणा दे रहा, क्या संदेश देना चाहते समाज के लोगों को जो आज पॉजिटिव है, जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं? सर कोरोना ये नहीं है, कोरोना भी नॉर्मल है, आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी जिससे जीतने के लिए। सबसे पहला है कि आपको हिम्मत रखना है, हिम्मत नहीं रखेंगे तो आज हम लोग 14 थे, 14 सारे बंदे, एक बच्चा सिर्फ है वो भी 2-4 दिनों में ठीक हो जाएगा। लेकिन कोई ऐसा बोलता कि नहीं कोरोना हो गया मतलब मर जाएगा, ऐसा नहीं है। कोरोना हो गया मर जाएगा ऐसा नहीं है, कोरोना नॉर्मल है, बस आपका मोटिवेशन चाहिए, आप कितना हेल्दी हो, कितना कर सकते हो, आप कितना स्ट्रांग रह सकते हो, वो सबसे बड़ा डिपेंड करता है। जी जी जी। और अब फैमिली से दूर, तो फैमिली से दूर तो एक बार कोई भी अगर किसी को कोरोना होता है तो उसको तो सबसे पहले लगता है कि क्या होगा। सर कुछ नहीं, घबराना नहीं है, कोरोना बहुत बड़ी बात नहीं है। लोगों के कहने का कोई बहुत लोग अफवाह उड़ाते, कुछ भी बोलते, पर कोरोना कुछ भी नहीं है, कोरोना लड़ने वाले के लिए कोरोना नहीं है। अगर आपके पास लड़ने की शक्ति है, आप लड़ सकते हो, तो कोरोना हार मानते हैं और माना है हम लोगों से, हम लोगों ने सबको हराया कोरोना। झाझा से प्रेम कुमार की रिपोर्ट।